हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भय नमस्कार। तो मैं निधि स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो हम भी एकदम बढ़िया है। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो अभी हल्की हल्की धूप आ गई है, बट अभी ठंडा ही हो रहा क्योंकि अभी अच्छी वाली धूप नहीं आई है। और अक्षित गया हमारा ट्यूशन आज, वो वहाँ गया ना, दुकान खोला जाता है वो मार्केट, तो वहाँ गए हैं। पापा दूध दे के आ गए हैं और मम्मी अपना काम कर रही। मम्मी सुबह सुबह ही खाना बना रहे हैं। आजकल उठने से पहले तो मम्मी का सारा काम हो जाता है, पता नहीं कितने बजे उठती है, खाना भी बना लेती है। रोटी तो बना ली है और सब्जी भी बना ली है उसने, अभी दाल बनाने की तैयारी कर रही है और भैंस का भी सारा काम कर ही लेती है, गोबर, दूध निकालना, दूध बनाना। फिर काम में पापा मतलब दूध देने के लिए जाते हैं, फिर आ जाते हैं। और अभी पानी भी आ गया है हमारे यहाँ, सुबह ही आ जाता है। यहाँ मेरी मम्मी शुरू हो गई है अपने काम में। चूल्हा इसका नहीं जल रहा है, जल गया। अभी ये बना रही है कुकर में दाल, मिक्स दाल बना रहे हो ना आज? हाँ। क्या क्या है इसमें? इसमें है गोहत, चने, राजमा, नवो, सोयाबीन, ये है दाल। अभी ये दाल बना रहे हैं और इनकी हरी सब्जी भी रेडी है। भात ला बना ली बहन, वो बाद में बनाएंगे, पापा के काम के लिए भी हो जाएगा, थोड़ा खा भी सकेंगी वो। अभी तेल डाल लिया है इन्होंने, बनाएंगे अपना दाल। ये यशोदा मुँह हाथ धो रही है, उठ गई और पानी आ गया है यहाँ। और ये कोयले इन्होंने बुझा दिए हैं क्योंकि ये बहुत काम आते हैं बाद में जल के, बाद में जलाने के काम आते हैं कोयले। आप बनाइए अपनी दाल। अभी बैल खोल लिए हैं हमने, पहुंचा के आती हूँ इनको क्योंकि अभी धूप भी आ गई है तो इनके लिए सही है। बैलों को पहुंचा के भी आ गई हूँ, बकरे को थोड़ा देर में बांधेंगे क्योंकि बकरियों के वहाँ पे अभी छाया ही आई है, यहाँ पे ठंडा हो रहा, तो उनको थोड़ा देर में बांधेंगे हम। मम्मी ने बकरी बाहर बांध ली है और ये यशोदा नीतू हो रहे हैं स्कूल के लिए रेडी। करण भी आ गए हैं घूम के 2 दिन के टूर के बाद। ये आगे है ट्यूशन से, मम्मी नाश्ता करने लगी है और यहाँ है हरी सब्जी, ये इतना बचा लिया है और अपना कढ़ाई में खा रही है। हम खाएंगे बाद में, पापा काम में चले गए हैं, अम्मा बाहर धूप सेक रही, अम्मा भी बाद में ही खाती है तो हम भी बाद में ही खाएंगे। यहाँ अक्षित हो रहा है स्कूल के लिए रेडी, अभी ये खाएंगे रोटी फिर जाएंगे स्कूल को। ये नाश्ता कर रहे हैं अक्षर अटवाल। मेरी अम्मा यहाँ अभी सबसे लास्ट में नाश्ता कर रही है। आप खाने क्या पे? सबसे देर में यही नाश्ता कर रही, सबने कर लिया है तो मैंने भी कर लिया। अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं लोधिया, हमको कंट्रोल का सामान लेने जाना है और मम्मी को था पोस्ट ऑफिस में भी जाना है, तो इसलिए इसके साथ मैं भी जा रही हूँ, राशन ले आएंगे। अभी तैयार हो रही है वो, मेरे से ज़्यादा टाइम लगा रही, मैं तो तैयार होके बैठी हूँ यहाँ। और अम्मा को अब घर में थोड़ा देखभाल भी करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी सारे बंदर आ गए हैं यहाँ। बंदर तो यहाँ हर दिन के हैं, एक कल नहीं आए थे, आज और आ गए हैं हमारे खेत को ख़त्म करने के लिए। अभी अम्मा देखेंगे बंदरों को, हम फटाफट से जाके आएंगे लोधिया से। करो नाश्ता, हरी सब्जी के साथ खा रहे हैं अम्मा। हम चलते हैं लोधिया की ओर, ये मम्मी रेडी हो गई है और यहाँ बंदरों का आतंक कितना हो गया। अभी मैं आई हूँ पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों मैं पोस्ट ऑफिस से आ रही हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस का काम करके आई। मम्मी गई थी राशन लेने, वो राशन लेके आ गई है, ऊपर वेट कर रहे हैं मेरा क्योंकि पोस्ट ऑफिस अलग जगह है और कंट्रोल हमारा अलग जगह है। चलते हैं, अभी काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस वो नीचे है, यहाँ सामने हमारा स्कूल है और यहाँ से रोड आती है हमारे गांव के लिए, ये वाली, और नीचे मेन रोड है। ये है हमारे गोविंद चाचा, ये भी लोधिया आए हैं राशन ले जाने के लिए। राशन ला के मम्मी लोग ने वहाँ रखा है, अभी मम्मी वहाँ गई है क्योंकि राशन कार्ड मेरे समय भूल गई थी, तो अभी हम यहाँ पर धूप सेकते हैं, वो वहाँ का काम करके आएगी। हेलो, अभी हम चले राशन लेके,
मैं लेके जा रही हूँ गेहूँ, और मम्मी ला रही है चावल, और गोविंद चाचा भी ला रहे हैं। तो दोस्तों हमको ये चढ़ाई पार करनी है, काफ़ी चढ़ाई है यहाँ, कुछ मेन चढ़ाई यही है। मम्मी लोग पीछे से आ रहे हैं स्लोली, और मैं जा रही हूँ आगे से, चलते हैं अभी। हाय खुली सी, यहाँ अम्मा भैंस को नहला रही है। तू को नहीं मारन उसी, और मारू करना तो हाँ। छोड़ तो वाले नोल मम्मी, ये मम्मी के अलावा सबको मारता है। यार तू को देख बेर। तो दोस्तों हम घर आ गए हैं, थक गए हम इसलिए चढ़ाई में, और ऊपर से गर्मी, जाड़ों के दिन जैसे बिल्कुल नहीं लग रही। अभी करते हैं हम रेस्ट। अब मैं आ गई हूँ नीचे चाची लोग के यहाँ, यहाँ आए हैं फेरी वाले। चाची बिजी है अपने बंदरों को भगाने में। क्या करूँ यार, हमारे यहाँ बंदर बहुत है। छह साड़ियाँ ले ली चाची ने। लेती रोजी हूँ, और मेरे को कब दिया तुमने? उतने साड़ी तो मैंने तुमसे खरीदे पहले। दोबारा ब्याह करो पे आप। दोबारा छह छह साड़ियाँ ले ली आज चाची ने शॉपिंग। ये साड़ी है दोस्तों, जरूर बताना लगू कैसी लग रही साड़ी। गलत होंगे तो मैं चेंज कर दूंगी। ये है साड़ी, सब अलग अलग कलर में। ये मस्त जाने ना, ये है ये है लगो हूँ अपन। ये है ये तो मैं बगस में कम दूँ। हल्की हल्की सब हल्की सी। अम्मा को भी पसंद आ रही हमारी एक। चाय पीयूष घर है, इसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। बंदर भगाने के लिए इसने अच्छी सी ट्रिक निकाली है। फिर दिखा तो रस्सी वाला अपना, ये देखो इसने ये बनाया है, इसे भगा रहे हैं बंदरों को। चल ये है चाची, और ये नीचे वाली बाखरी हमारी। चाहते नहीं पीने में है मिश बैठो छी, मैं चाह नहीं पीन को न। हाओ बैठ नो। तो दोस्तों यहाँ मैं नीचे से आ गई हूँ, और यहाँ खाने की तैयारी चल गई है मम्मी लोग की। अभी मम्मी काट रहे हैं धनिया, ये है सुबह की दाल मिक्स वाली। अभी हम तीन ही लोग हैं खाने वाले। अभी यार ले लिया तो इसको भूख लगी है, इसको भूख लगी है, नहीं देने का यहाँ। अभी हम तीन ही जने हैं खाने वाले। तो दोस्तों खाना खा के बर्तन भी धो लिए हैं, और मेरी मम्मी यहाँ लेट गई है चटाई बिछा के धूप में। यहाँ बस खाना और सोना यही काम है, खाओ पियो सो। और मेरी अम्मा इधर उधर घूम रही, पता नहीं क्या काम कर रही है। अम्मा बंदर बकरी तो सुबह से यही ठहरे, और उजाड़ को तो नहीं भैया। और मैंने मेहंदी लगाई है मैं, बट मैंने कल से बाल धोए नहीं है। अभी मैं अपने सर धो लेती हूँ थोड़ा। देखो इन्होंने नहाया है, अभी रेस्ट में है। शी जाओ रे मुँह ढक जाओ, जानो यहाँ पे चटाई बिछा के सो गए हैं। अभी भैंस हमारा बैठा है, जब वो उठेगा तो इन्होंने मेरे से बोला है उसको सानी दे देना, अभी देंगे सानी। तो दोस्तों अभी मैंने तो अपना सर धोया है, मेहंदी कल से लगाई थी, अभी हल्का हल्का कलर आए हैं, धूप में शाइन मार रहे हैं। अभी हम चलते हैं गेहूँ और चावल वहाँ वाले कमरे में संभालेंगे। तो ये है उस कमरे की चाबी, चलते हैं लेके। लेके आई है इसमें सामान, गेहूँ के अंदर भर के लाई है। ये है हमारा लाइबॉय साबुन, अभी रख के आते हैं। ये है गेहूँ और ये है चावल। तो यहाँ हमारा छोटा सा स्टोर रूम समझ लो आप, तेल के खाली कनिस्टर रखे हैं। और ये है मेरे लिए मडवे का कट्टा, जो मैं ले जाने वाली हूँ। ये मतलब मडू सुशी दो कट्टा है मम्मी का मडवा, ये कैसे ये पुराना, ये पिछले साल का कट्टा ये है।
मडुआ मडुआ है मम्मी का। तो दोस्तों अभी मैं नीचे आई हूँ पायलों के यहाँ, चाचा हल्द्वानी से आ गए हैं तो कुछ लेके आए हैं, बोले थे मेरे को देख क्या, तो देखते हैं क्या लेके आए हैं। तो ये है बॉक्स, पता नहीं इसमें क्या है, देखते हैं, बोले थे तो ट्राई करना, पता नहीं क्या है इसके अंदर। अक्षय पकड़, ओ ये कैमरा लेके आए हैं, मतलब ये ब्लॉग शूट करने के लिए होता है जो। अब मेरे को इसका तो बिल्कुल यूज़ नहीं आ रहा अभी, पहले देखते हैं इसको सेट करते हैं, उसके बाद आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं शूट कर रही हूँ इसी से जो मेरे चाचा जी लाए हैं, ये इसका स्टैंड है पकड़ने वाला, तो हमको अच्छे से आ नहीं रहा, हमने थोड़ा सेट करा है। तो दोस्तों हमको काफ़ी अनकम्फर्टेबल लग रहा है इससे शूट करना, बिल्कुल नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि हमको इसके बारे में भी नॉलेज है नहीं। तो अभी चलते हैं घर को, इसका यूज़ बाद में करेंगे। तो दोस्तों दौड़ दौड़ के नीचे आए थे क्योंकि मेरे को चाचा ने ही भेजा था, बोले थे वहाँ मैं एक चीज़ लेके आई हूँ तेरा यूज़फुल है, फ़ोन से रिलेटेड ब्लॉगिंग कर पाएगी करके, लेकिन उसका यूज़ मेरे को बिल्कुल नहीं आया, तो इसलिए वापस चले घर को। अभी हमको ये दादा मिले थे, उन्होंने हमको पेस्ट्री खिलाई है, और ये रही हमारी पेस्ट्री। आज तो दिल खुश हो गया क्योंकि खाना पसंद है मुझे चटर बटर दुकान का, ऐसी यूनिक चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब मेरे को कुछ भी यूनिक दिखे तो खाने का मन करता है। तो हाँ मम्मी की सब्ज़ी की तैयारी हो गई है रात की, सुबह खाना रात खाना, ये आलू मटर की सब्ज़ी हो गया, मटर छिल रहे हैं, और यहाँ अक्षय ले रहे हैं इंजॉय जो मैंने उसको दिया था अभी खाने के लिए। कैसा है? मेरे को भी अच्छा नहीं लगा है, मतलब बच्चों के लिए अच्छा है। तो दोस्तों पायल स्कूल से आ गई है, पायल और अशोदा, अभी हम चलते हैं अपने मोड़ आने के लिए, हमारी ड्यूटी हो गई है चालू। अभी शाम के टाइम में काफ़ी हवा चल रही है तो सेफ्टी रखते हैं अपनी। अभी यशोदा की बारी है, आज कल मेरी हो गई है और कल होगी पायल की, फिर हमारे पॉल्ट ख़त्म, तीन दिन के लगाए हैं हमने। ये चाची हमारी हेल्प करने के लिए आई है, चाची खन रहे हैं मुँह, यशोदा की बारी है, भरते हैं यहाँ से, हम चले मुँह डालने, काफ़ी ठंडा हो रहा है, हवा चल रही खतरनाक वाली। अभी मैं आगे हूँ, यशोदा पायल पीछे। तो अभी हम अपने घर के सीधे ऊपर हैं, ये हमारी वाली बाखली है, उसके नीचे को भी कुछ घर दिख रहे, ज़्यादा तो यहाँ से कुछ व्यू नहीं दिखता, बाप रे ऐसा रास्ता है इसे हम क्या, अरे हमको बाप रे अब तो ऊंचाई चढ़नी है, और ये हमारा दोस्त रोज आ जाता। तो दोस्तों हम डाल के आ गए हैं यशोदा के खेत में, अभी चलते हैं घर को। वैसे तो अभी टाइम है, हम एक बार और भी जा सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम होगा तो, पायल की बारी है लास्ट वाली तो चलेंगे, अभी देखते हैं। हाँ वैसे गड़बड़ भी हो जाएगा हमारा हिसाब का, बट मैंने ऐसा सोचा था अभी कल के दिन में सब अपने अपने उसमें डाल देंगे ऐसा कुछ, ठीक है अभी देखते हैं, टाइम होगा तभी जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, अभी तो फिलहाल घर को चलते हैं। जुड़वा भाई भी आए हैं, और यहाँ से हमारा गाँव थोड़ा दिखता है, ये तो आधा ही गाँव है, आधा भी नहीं है, 20% भी नहीं होगा हमारा। तो दोस्तों काफ़ी जल्दी है इसलिए हमको दूसरी बार भी जाना पड़ रहा है, वैसे तो मैं पहले से बोल रही थी जाने के लिए, यशोदा का मन नहीं था आने का और पायल को तो अपना काम करना था, कपड़े धोने थे, बट उनकी मम्मी ने बोल दिया कि तुम जाओ इतने जल्दी से घर में क्या करोगे, तो इसलिए हम फिर से जा रहे हैं। अभी पायल की बारी है, अब कल तो हमारा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया, हम कल देखेंगे जैसा भी करेंगे, एक ही डले अपना का भी ले जा सकते हैं या फिर ये मेरा भी आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं, ये दो जने वो कर रहे हैं खोद रहे हैं, फिर अपना अपना कट्टा भरेंगे हम। तो दोस्तों पायल लोग का खेत यहाँ है और हमने इसमें खाद डाल ली है, इसमें मिट्टी भी डाल ली ऊपर से, इससे खाद में नमी रहती है इसलिए हमने इसमें मिट्टी डाल ली है। तो अभी हम एकदम टॉप में हैं, सामने गोलजू का मंदिर, और अभी शाम का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे देखो हमारे यहाँ के खेत बिल्कुल सीढ़ीदार जैसे लग रहे ना, पर सीढ़ीदार खेत है नहीं। और वहाँ टॉप में है शाही देवी मंदिर, ये मंदिर मेरे ससुराल से भी दिखता है लेकिन यहाँ से काफ़ी नज़दीक लगता है ये मंदिर। तो अभी शाम का व्यू वैसे कितना अच्छा लग रहा है, वाह अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी चलते हैं हम घर को, पायल यशोदा, हमको काफ़ी लेट हो गया आज क्योंकि हम दो बार आए हैं ना। तो दोस्तों आज काफ़ी लेट हो गया है हमको क्योंकि हम दो बार ही आए थे और एकदम टॉप में हैं हम, तो यहाँ हवा भी काफ़ी चली है, बट शाम का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा और अच्छी फीलिंग आ रही है, टाइम पास भी हम तीनों का हो जा रहा। तो अभी दौड़ लगा के भागेंगे घर को। तो मैं पायल आज दी का ब्लॉग एंड कर रही हूँ, तो आपको दी की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।